दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने एक बार फिर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम के हेल्थ को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा, मैं इस समय उम्मीद करूंगा कि ये लोग किसी बड़े नेता के स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं करेंगे। अगर आप नेताओं को भी देखें तो ये कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन झूठ बोलना आपकी आदत है। आप भी सुनिए इस दौरान संदीप दीक्षित ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं इस समय ये उम्मीद करूंगा कि एक बड़े नेता की स्वास्थ्य के बारे में ये लोग राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आम आदमी का अगर आप अभी देख लें, जो उसका पास्ट निकला है, वो कोई भी चीज़ को कहीं भी लाकर बोल देते हैं। और माफ़ करिएगा, किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। मुझे तो ये भी याद है कि जब एक बार किसी समय ये धरने पर बैठे थे, डायबिटिक पेशेंट तब भी थे, तो 8-9 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। और हमको बताया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल उसको फास्ट पे नहीं रहना चाहिए। तब कहा था अद्भुत दैविक शक्ति है कि ये कर रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी के। वो एक कहानी है ना, वो भेड़िया वाली, इन्होंने इतनी बार झूठ बोला है कि जब ये सच भी बोलते हैं तो कभी कभी मन में लगता नहीं है कि इन पर कुछ विश्वास किया जाए। तो मैं आतिशी जी से और इन लोगों से कहूँगा कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, थोड़ी अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाइए। और अगर आप विश्वसनीयता बढ़ाएंगे तो फिर जब ये गंभीर कोई विषय सामने आता है तो सब लोग आपके साथ खड़े दिखेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि साल 2012-13 से ही ये झूठ बोल रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों या दिल्ली का प्रशासन कैसे चलाएंगे या अन्य मसलों पर उंगली उठाना। मुझे ये भी याद है कि एक बार जब अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे तब भी वो डायबिटीज के मरीज थे, लेकिन उन्होंने 8-9 दिन तक खाना नहीं खाया था। उस समय कहा गया था कि ये कोई चमत्कारी दैवीय शक्ति है जो वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इन पर कोई भरोसा नहीं है। आगे संदीप दीक्षित ने कहा कि ये लोग इतने झूठ बोल चुके हैं कि जब ये सच भी बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इन पर यकीन किया जाए। इसलिए मैं आतिशी से कहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ाइए, फिर जब कोई गंभीर मुद्दा आएगा तो सब आपके साथ खड़े नजर आएंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन को दर्शाता है, लेकिन ये क्या है पूरा मामला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।